Hello, people. Welcome to the session. I'm Rajita Sushni, where your Vedanta chemistry master teacher and I hope sab mast chal raha hoga, swast chal raha hoga. So, bhaiyo behno, aaj hum log karne wale hain cheat sheet of carbonates compound. Bole to pura carbonates compound ek bar mein we were going to finish it up, pura chapter samet denge in just few slides. So, isn't that interesting? आप यही चीजें अपने एग्जाम से पहले भी क्रिएट कर सकते हैं. एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अब आप लोगों के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं एंड देन ऑब्वियसली कमिंग अप योर बोर्ड्स इन फ्यू मंथ्स ऑल्सो. सो अगर आप अभी से चीट शीट्स तैयार करके रखेंगे तो यू विल बिकम यू विल हैव दैट हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू चीट शीट्स एग्जाम से पहले. और यही चीज आप लोगों को करनी है बोर्ड्स एग्जाम से पहले, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. छुट्टियां कभी मिलती है ज्यादा, कभी नहीं मिलती है इन वन एग्जाम. लाइक अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आपको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ कवर करना होता है और एक साथ सब कुछ पढ़ना इज नॉट पॉसिबल. ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी खोल के एक बार दोबारा से पढ़ लोगे. सो बेटर है कि आप चीट शीट्स रेडी रखो ऑफ ऑल द चैप्टर्स. इन फैक्ट किसी और सब्जेक्ट की भी आप चीट शीट्स रेडी करके रख सकते हैं. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट वंस, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाता है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चीट शीट ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड, लेट मी टेल यू गाइज कि ये चीट शीट मैंने बनाई है, तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. सो इफ यू वॉन्ट कि अरे यार मुझे ये याद नहीं रहता है, आई कैन राइट अ ट्रिक हियर और मैंने इसको इस तरीके से याद करा हुआ है. सो यू कैन राइट योर ओन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, वट एवर यू माइट हैव मेड. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन सर्टन सेशंस कि आपको कैसे याद करना है कार्बोनेट्स कंपाउंड को एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टफ. ये मैंने आपके एनसीईआरटी मैराथन में भी डिस्कस करा था. अलोंग विद दैट कॉमन नेम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड. सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स गेट आवरसेल्फ स्टार्टेड एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, यू कैन कॉपी डाउन दिस एज इट इज एंड मेक little improvisation according to yourself. But ek bar schedule of the week pe nazar maar lete hain. So as the cheat sheet of carbonates compound hum log kar rahe hain, coming up will be your top 5 long answer based questions of chemical reactions and equations. So yahan pe main aap logo ke sath baat karungi that how you can actually underline keywords, how you can determine the keywords, kahan pe aap logo ke marks kat sakte hain, kahan pe aap logo ko marks mil jayenge agar aapke keywords likhe. So all of those small details has been will be discussed with you in this session. Along with that, आप लोग को आंसर का फ्रेमिंग कैसे करना है ये भी आप लोग सीख जाएंगे if you go through this top 5 long answer based questions of this chapter. Then we will be having all chemical reactions from acids and base. एक जगह सारे chemical reactions हम लोग करेंगे of entire chapter of acids, bases and salts. और क्या चाहिए भाई, एक जगह सारे रिएक्शंस मिल जाए तो इट्स वेरी वेरी सिंपल फॉर अस टू रिवाइज. तो आप लोग रिएक्शंस का भी एक चार्ट या शीट बना के रख सकते हैं, जस्ट लाइक एज वी विल बी डूइंग ऑन संडे एट 9 PM. ऑलराइट गाइस, तो सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. मेहनत करनी पड़ती है भाई, उसके पीछे कितनी हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, लर्निंग, स्टडिंग, परसिवियरेंस होता है, वो किसी को नहीं दिखता. सो बट जिसने जिसको सक्सेस मिली है उसको ये बात अच्छे से पता रहती है कि सक्सेस इज नॉट अ शॉर्टकट. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव टू सैक्रिफाइस सो मैनी थिंग्स. अभी तुम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तुमसे ये बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है. क्योंकि अगर आप लोग को किसी पार्टी में जाना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, तो आप लोग मिस करते हो वो पार्टीज. सो दैट्स वॉट सैक्रिफाइस यू गाइज आर मेकिंग टू बी सक्सेसफुल एंड टू गेट गुड मार्क्स. सो विच इज नॉट अ बैड थिंग, विच इज अ गुड साइन ऑफ अ स्टूडेंट. सो गाइज कीप डूइंग इट, चालू ही करते. All right, let's begin. Let's solve some chemical law charts together, guys. So, starting up with simple properties of carbon as well as versatile nature of carbon. आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 होता है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 बोले तो ये टेट्रा वैलेंस ही शो करता है. सो इट्स टेट्रा वैलेंट. Always form covalent bond. Covalent बोले तो mutual sharing of valence electrons से bond जब बनता है तो हम उसे covalent bond कहते हैं. तो आपने अपने लिए carbon के कुछ properties लिख लिए, covalent बनाएगा,
टेट्रा वैलेंट होता है, टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तीन एलोट्रॉप्स के बारे में आप लोग ने पढ़ा है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। आप चाहे तो डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं अलोंग विद इट्स यूजेस एज वेल एज ग्रेफाइट ऑल्सो। देन कैटिनेशन, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे कैटिनेशन का डेफिनेशन पूछ लेता है कभी कभार एमसीक्यू क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में आपके पास आ जाता है। सो इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का कार्बन से खुद से प्यार, सेल्फ ऑब्सेशन जिसे हम कहते हैं वो कार्बन को है। सो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, मे बी अ स्ट्रेट चेन और मे बी अ ब्रांच चेन एंड ऑल्सो अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे करते करते इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। सो वॉट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल कैसे है कार्बन, जस्ट बिकॉज ऑफ टेट्रा वैलेंसी एंड कैटिनेशन। और इसके साथ साथ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन ऑल्सो गिव इट्स ऑल्सो प्रोवाइड कार्बन अ पावर टू बी वर्सेटाइल। तो अगर कार्बन का साइज छोटा है तो उससे बनने वाले जो बॉन्डिंग होंगे वो भी स्मॉल होंगे। जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है उतना ही स्टेबल बॉन्ड बनता है, स्टेबल बॉन्ड बोले तो स्टेबल कंपाउंड्स। यही रीजन होता है कि हमें कार्बन के कई सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। Alright guys, that was a basic knowledge. आप अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो। इफ यू थिंक कि आपको यहाँ पर ये ऐड करना चाहिए कि डायमंड व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जबकि ग्रेफाइट डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इसके लिए एक अपने नोट्स बना सकते हो, साइड में छोटा सा हिंट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं इन बॉन्डिंग और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो ग्रेफाइट के केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन से की वजह से दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डायमंड के अंदर चारों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऑक्यूपाइड होते हैं इन कोवैलेंट बॉन्डिंग विद अदर कार्बन एटम, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड इज अ पुअर और अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हो, बट यू शुड राइट जनरल इंफॉर्मेशन जिससे कि जब भी आप इसको रिवाइज करो तो आप एज अ होल रिवाइज कर लो उसको। नाउ कमिंग अप टू आयुपाक नॉमिनेटर्स, तो यहाँ पे मैंने जनरल दिए हैं आपको, जैसे एल्कीन्स का है तो एल्काइन्स का आयुपाक, जैसे यहाँ पे इथीन हो गया, इथाइन हो गया, है ना, तो एल्क की जगह इथ, एल्क की जगह इथ, है ना, ऐसी प्रोपीन, ब्यूटीन एंड सो ऑन। अभी हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स बोले तो हैलो क्या होता है, नाउ इफ यू फॉरगेट दिस फ्रीक्वेंट या भूल जाते हो हैलो क्या होते हैं, तो अपने क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब मेरे लिए हैलो है बिकॉज दे आर एक्चुअली हैलोजेंस, और हैलोजेंस का छोटा करके नाम दे दिया हैलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को लिखना है क्लोरो प्रोपेन, है ना, जस्ट लाइक हैलो एल्केन। सिमिलरली अल्कोहल्स, एल्केनॉल, अब एल्केनॉल में मैं मिथेनॉल, इथेनॉल कुछ भी लिख सकती हूँ, तो एल्क्योर मींस अल्काइन ग्रुप, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इथेनॉल, मिथेनॉल एंड सो ऑन। सिमिलरली एल्डिहाइड्स के लिए एल का यूज करते हैं तो एल्किनल, नाउ इट कुड बी इथेनल, इट कुड बी मिथेनल और प्रोपेनल एंड सो ऑन। कीटोन, कीटोन बोले तो कीटोनिक ग्रुप जिसका सफिक्स होता है ओन, दिस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज वन, दिस इज ओन। नाउ यू कैन से एसीटोन और मे बी प्रोपेनोन, राइट, इथेनोन नहीं होता है, ध्यान रखना, इट स्टार्ट्स विद थ्री कार्बन एटम्स मिनिमम, देन ब्यूटेनोन एंड सो ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COH, है ना, तो एल्केनोइक के अंदर हम इथेनोइक भी कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड, और वी कैन राइट इट एज मीथेनोइक एसिड एंड सो ऑन। तो आप अपने लिए कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो। अलोंग विद दैट यू कैन आल्सो मेंशन फॉर्मूलाज जिससे कि लास्ट में जाके आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, ओके गाइस, नाउ कमिंग अप टू केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां से आपके पास काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन जो है वो कंबशन भी शो करता है, कार्बन कंपाउंड्स डू शो सब्स्टिट्यूशन, कार्बन एडिशन भी शो करते हैं, कार्बन ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं।
आप लोग पढ़ के आए हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इजंट इट? आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में जब पढ़ा था तो आपने देखा अनसैचुरेटेड बोले तो डबल बॉन्ड वाले एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन विच इंक्लूड्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, एंड सिमिलरली सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ एल्केन्स आते हैं, है ना? एल्केन्स बोले तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. तो जितने भी आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. और ओवरऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नेवर गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप इसको हिंट के तौर पे लिख सकते हैं. एडिशन रिएक्शन ओनली गिवन बाय अनसैचुरेटेड, सिर्फ अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर सकता है. तो ये पावर है एडिशन रिएक्शन का, जहां पे ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो एल्कीन्स को एल्केन्स में करना हो या एल्काइन्स को एल्केन्स में. सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ एडिशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन और कंबशन के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन इज समथिंग जहां पर there is an add of oxygen. Combustion reactions oxidation हो सकते हैं, लेकिन जितने oxidation reactions हैं वो combustion हो ये जरूरी नहीं है. Now another beautiful part of combustion reaction कि आपको हमेशा carbon dioxide and water ही मिलता है as a product. तो जब sufficient amount के presence oxygen में, sufficient oxygen के presence में हम इसे कंबस्ट करते हैं, बर्न करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, सो दे ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ सनलाइट. तो आप ऐसे छोटे 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 हिंट्स अपने पास लिख के रख सकते हैं. Now coming up to ethanol, आप लोग ने ethanol, ethanoic acid के बारे में पढ़ा. इसी के बीच आपने esterification, saponification, soaps and detergents के बारे में पढ़ा. तो यहाँ से भी आपके पास questions उठते हैं. So as I said, so कि carbon added compound chapter itself is very very important. Not only आपके grade 10 के लिए but for your grade 11, 12. अगर आप science ले रहे हैं तो ये chapter से आपका पीछा नहीं छूटेगा. In fact, आगे जाके एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में ये तब्दील हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड ये और इंटरेस्टिंग ही होगा. सो या दिस इज अ बेस दैट यू गाइज आर क्रिएटिंग राइट नाउ. ऑलराइट, इथेनॉल बोले तो अल्कोहल है. अल्कोहल के अंदर इथेनॉल इज C2H5OH व्हिच इज एक्चुअली अ कंज्यूमेबल अल्कोहल. इथेनॉल का कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है? इसका कॉमन नेम है इथेनॉल का, एंड फॉर्मूला है C2H5OH, राइट? ये कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेल. अब भाई किसी के लिए प्लेजेंट हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सके, बट हम लोग बोलते हैं प्लेजेंट स्मेल. बर्निंग टेस्ट होता है, वो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है अभी. सॉल्युबल इन वाटर एंड इन ऑल प्रोपोर्शन, भाई सोडा में भी सॉल्युबल है तो पानी में तो सॉल्युबलाइज हो ही जाएगा, एंड एनी प्रोपोर्शन. एंड न्यूट्रल टू लिटमस, न्यूट्रल बोले तो दैट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. इथेनॉल ना ही एसिडिक बिहेवियर रखता है ना ही बेसिक बिहेवियर. नाउ दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथेनोइड बनाया, प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं. दिस इज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका ये है, जहां पे अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे ये किस काम का है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोले तो लॉस ऑफ वाटर, जो कि पानी को हटा दे, बॉन्ड से बीच में से उठा के बॉन्ड तोड़ के पानी निकाल लेता है. सो यहाँ पे इथेनॉल का पूरा कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है एंड इट टर्न्स टू इथीन. ऐसे प्रोपेनॉल टर्न्स टू प्रोपीन, ब्यूटेनॉल टर्न्स टू ब्यूटीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना. Then combustion, as we discussed, कोई भी हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, अगर हम उसे कंबस्ट कर रहे हैं, पहली चीज कंबशन हैपेंस ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड
लाइट की प्राप्ति होती है, ठीक है? दैट दोज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. ऐसे ही इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. तो इस चैप्टर को अगर आप सिस्टमैटिकली याद करोगे तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बनेगा. इथेनोइक एसिड कलरलेस है. इथेनोइक इज नथिंग बट इज CH3COH, जिसका हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं एसिटिक एसिड. और इसी को ही आप काफी डाइल्यूट वर्जन में अपने विनेगर के तौर पे यूज करते हो, जो कि तुम लोग चट चट करके खाते हो ना चाउमीन के अंदर, वही. सो कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड. इनफैक्ट विनेगर को भी स्मेल करोगे घर पे जो रखा है, दैट ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. जबकि वो इतना डाइल्यूटेड होता है तब भी उसका एक अलग सा स्मेल है, विच इज स्ट्रॉन्ग. तो बात सोचो कि अगर प्योर इथेनोइक एसिड की बात करेंगे तो भाई बहुत बहुत गंदा स्मेल होता है. सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. एंड रिएक्शंस की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट. अब ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर रखता है. दिस इज एसिडिक, तो एसिड एंड बेस यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन. कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, प्लस दिस इज सोडियम एसिडेट, व्हाट यू आर गेटिंग प्लस वाटर. ये जनरल रिएक्शंस आप लोग कर चुके हैं. नाउ रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही सेम कहानी है. चाहे तुम कार्बोनेट से करो या बाइकार्बोनेट से, ये भी बेसिक नेचर रखता है, ये एसिडिक है. तो अगर एसिड कभी भी किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, सो दैट विल गोइंग टू गिव यू रिस्पेक्टिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. समझ ला? Then comes to esterification, which is again very important, along with saponification. ये आपसे directly पूछ लिया जाता है. Direct आपसे question पूछता है, explain esterification reaction, या फिर write esterification reaction. तो esterification reaction में esters का formation होता है. Esters are the ones जिनका fruity smell होता है, बहुत प्यारा सा खुशबू होता है. And सच्ची में जब आप लोग lab में ये करते हैं तो you can literally smell that fruity smell from your test tubes. तो ये खुशबू आती है. So यहाँ पर that would be ethanoic acid and ethanol जब दोनों react करेंगे. Ethanoic acid के बारे में अलग से पढ़ा, ethanol के बारे में अलग से पढ़ा. अब जब दोनों को हम लोग react कराते हैं, heat करते हैं, in presence of again concentrated sulfuric acid, तो हमें ester की प्राप्ति होती है, plus water as a byproduct. Saponification is kind of उल्टा ऑफ esterification. तो यहाँ पे हमने hydrolysis करा ester का in presence of a strong alkali, which is NaOH, and that gives you ethanol and ethanoic acid, ठीक है? और alcohol and carboxylic acid. So basically आपको यहाँ पे अपने हिसाब से hints लिखनी है कि मुझे जो नहीं याद रहता, you can write it down in the side of the paper. So aap jab cheat sheets padhte hai before your paper, so that should help you, not anybody else. To ye sab aapke liye, khud ke liye aap banate ho. Now coming up to soaps and detergents. Soaps and detergents se aapke paas kya sawal aate hai? Soaps kyun hard water mein kaam nahi karte, and why detergents are a better cleansing agent as compared to soap in hard water? So detergents jo hai wo hard water and soft water friendly dono hote hai, jabki soaps jo hai they are not good with hard water, but they are good with soft water. सॉफ्ट वाटर का हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस होता है? हार्ड वाटर इज बेसिकली जहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस का प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग सोप डालते हैं तो सोप में आयनिक जो ग्रुप है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के साथ ही रिएक्ट कर जाता है. दैट क्रिएट्स स्कम. स्कम बोले तो दैट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल पार्ट हमारे कपड़ों पे रह जाता है, विच डस नॉट गिव्स अ बेटर क्लींजिंग फीलिंग. तो इस वजह से सोप हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता है, जबकि सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस जैसे कोई चीज नहीं होती है, जिसकी वजह से दे डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्कम. डिटर्जेंट्स ऑन द अदर हैंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते इन हार्ड वाटर, इसीलिए वहां पर कोई भी पंगा नहीं है
इट इज गुड विद बोथ, इसका रिलेशनशिप एकदम बढ़िया है दोनों के साथ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, हार्ड वाटर के साथ भी काम करेंगे एंड सॉफ्ट वाटर के साथ भी काम करेंगे. सो क्वेश्चन याद रखना क्या आता है यहाँ से, क्वेश्चन आता है व्हाई डिटर्जेंट इज अ बेटर क्लींजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू सोप. आपको एक्सप्लेन करना रहता है फॉर 2 मार्क्स. स्ट्रक्चर ऑफ सोप मिसेल फॉर्मेशन पे भी कभी कभार आता है, जिसमें दिस इज योर हाइड्रोफोबिक टेल, तो इट लुक्स लाइक अ स्पर्म और अ टैडपोल स्ट्रक्चर, जिसमें एक टेल होता है एंड टेल इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन. ठीक है, और जो हेड है ये हमारे लिए आयनिक पार्ट है एंड दैट्स कॉल्ड एज हेड. तो जो आपका चेन है दैट्स हाइड्रोफोबिक, इट्स वाटर हेटिंग, जबकि हेड जो है दैट्स वाटर लविंग, सो वी कॉल इट एज हाइड्रोफिलिक पार्ट. तो मिसेल फॉर्मेशन में इन स्ट्रक्चर्स का एक क्लस्टर बन जाता है. ठीक है, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, ये जो चेन्स हैं सोप मॉलिक्यूल्स की, दे मेक अ क्लस्टर लाइक दिस एंड इस पूरे फॉर्मेशन को हम लोग मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं. तो ये कैसे वर्क करता है आपसे ये भी पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन. तो यहाँ पर जो भी डर्ट है आपके कपड़ों में, जो भी डर्ट है उससे जाके टेल जुड़ जाती है, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन जाके जुड़ जाता है और बाहर की तरफ हेड रहता है विच इज आयनिक पार्ट कनेक्टेड विद वाटर. तो जब भी हम लोग सफाई करते हुए एजिटेट करते हैं कपड़े, एजिटेट बोले तो ऐसे ऐसे रगड़ते हो ना तुम लोग डर्ट को, तो उस समय क्या होता है, जो टेल वाला पार्ट है वो डर्ट को लेके बाहर पानी में निकल जाता है. तो पानी बिकम्स डर्टी, वेरी वेरी क्लाउडी, विच इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन नाउ, एंड आपका कपड़ा उस पानी में से एकदम क्लीन, साफ सुथरा निकलता है. तो दिस इज हाउ मिसेल फॉर्मेशन वर्क्स. सो गाइज, आई होप दिस चीट शीट ऑफ कार्बन एनायंस कंपाउंड हेल्प्ड यू. आप ये एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और यू कैन ऐड फ्यू थिंग्स बाय योर सेल्फ, जैसे कि कोई टिप्स हो गए, कोई स्ट्रैटेजीज और समथिंग विच यू डू नॉट रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप उसको कहीं साइड में लिख कर रख सकते हैं. So guys, before we end up this session, let me give you a big news that Vedantu ka Bharat Yatra chalu hai bhai, aur aap logo ke favorite teachers aapke town mein aa rahe hain. Kyun aa rahe hain? So why they are doing this is to talk to you, to come and personally meet you guys as well as motivate you and give you further counseling as well. To agar aap in logo se, aapki teachers se milna chahte hain, so please come meet your favorite teachers. They would love to meet you all and aap apne parents ke saath aa sakte hain. So please fill the Google form given below and agar aap chahte ki aapke town mein bhi teachers aaye, to please aap apka information जरूर से गूगल फॉर्म में छोड़ दीजिएगा. सो ऑन 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर बेंगलुरु पुणे में सेशंस हो चुके हैं एंड दैट वेंट रियली रियली अमेजिंग. यू कैन हैव अ वॉच ऑन यूट्यूब फॉर दैट एंड नवंबर 4th एंड 5th विल बी इन न्यू दिल्ली. सो कम ऑन दिल्ली हाइट्स, गो एंड मीट योर फेवरेट टीचर्स देयर. So guys, that was it from my side, from the cheat sheet of Carbonanics compound. Phir milenge chalte chalte. This is me, Rajita Sirsiva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And do not forget to like, share, and subscribe. Thank you.